नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर भारत में बाघ संरक्षण के लिए उठाए गए मुख्य कदमों पर एक नज़र तथा 2018 में चल रही बाघों की गिनती के लिए इस्तेमाल की जा रही तकनीक की जानकारी। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु के वैज्ञानिकों की HIV-1C नामक उपकुल के विषय में महत्वपूर्ण खोज। भारत में अधिकतर HIV मरीज HIV-1C से प्रभावित। दुनिया के प्रतिष्ठित भूविज्ञान संस्थान द इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी ने मेघालयन काल को धरती के भूगर्भी शास्त्रीय इतिहास में ताजा अध्ययन के रूप में शामिल किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वैज्ञानिकों ने पॉलीएथिलीन प्लास्टिक में मिल सकने वाला जीवाणुरोधी गुणों से युक्त पदार्थ विकसित किया। बाघों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 2009 में 13 देशों ने मिलकर 2022 तक बाघों की जनसंख्या दोगुना करने का फैसला किया था। इनमें भारत की भूमिका अहम है क्योंकि यहाँ बाघों की जनसंख्या सबसे अधिक है। इस दिशा में 2018 एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि इस वर्ष राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पूरे भारत में चौथी बार बाघों की गणना की जा रही है। क्षेत्र, नमूनों की गहनता तथा कैमरों की संख्या के लिहाज से ये प्रक्रिया दुनिया की विशालतम प्रक्रिया है। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। शानदार दिखने वाला बाघ एशिया के लगभग सभी उष्णकटिबंधीय तथा समशीतोष्ण जंगलों में पाए जाने वाला शक्तिशाली मांसाहारी जीव आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के मुताबिक दुनिया भर में अब सिर्फ 3,900 बाघ जंगलों में जिंदा बचे हैं, जिनमें 2,226 बाघ भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। हर वर्ष 29 जुलाई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में बाघों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा विलुप्त प्राय जानवर के संरक्षण की चुनौतियों एवं सफलताओं के बारे में जानकारी देना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने TX2 नामक एक कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत 13 देशों की सरकारों ने 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। So WWF has been working on tiger conservation ever since it was set up in 1969. During 1972-73, when Project Tiger was initiated, WWF helped the government establish Project Tiger. And ever since we have been working with the government and our primary other stakeholders, which is local communities. So in 2010, in the St. Petersburg summit, the global leaders and organizations, they decided that by the next year of the tiger in 2022, tiger numbers in the whole world should be doubled. Now that was a target. That's the TX2 target. बाघों के संरक्षण में भारत अहम भूमिका अदा करता है क्योंकि दुनिया भर में पाए जाने वाले बाघों की 70% संख्या यही है। बाघों के संरक्षण की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण देश भर में बाघों की गिनती कर रहा है, जो इस वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाएगी। बाघों की गणना क्षेत्र की विशालता, नमूनों की गहनता तथा कैमरों की संख्या के लिहाज से यह दुनिया की विशालतम प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नवीनतम तकनीक की मदद ली जा रही है, जिनमें स्मार्ट पेट्रोलिंग, रिमोट डेटा सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली, कैमरे, ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UVA के अलावा जमीन पर होने वाले गहन सर्वेक्षण शामिल है। इन प्रक्रियाओं से प्राप्त नतीजों के आकलन के लिए नवीनतम कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, महाराष्ट्र के बोर, उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क, असम के ओरांग तथा अरुणाचल प्रदेश के कमलांग में बाघों के 5 नए आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। हमारा जो कंट्री लेवल पॉपुलेशन असेसमेंट होता है, एस्टिमेशन होता है टाइगर्स का, दैट इज डन ऑन 4 ईयर्स बेसिस, 4 ईयर्स के साइकिल। तो लास्ट साइकिल वॉज कंडक्टेड इन 2014, जिसका रिपोर्ट जो है जनवरी 2015 में आया था।
और अभी जो है नेक्स्ट साइकिल, अभी जो लेटेस्ट साइकिल है दैट इज़ 2018 एंड इट इज़ इन प्रोग्रेस। अभी उसकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसमें कई प्रोसेसेस हैं, जैसे फेज़ वन होता है, उसके बाद फेज़ थ्री होता है, फिर उसका पूरा एनालिसिस होता है। तो वी आर यूजिंग लॉट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कि UAVs आपने सुना होगा, अनमैंड सर्वेलेंस व्हीकल्स जो होते हैं, एरियल व्हीकल्स, वो हमने जो है प्रोजेक्ट मोड में 13 टाइगर लैंडस्केप्स में शुरू किया है। उसमें कॉर्बेट भी है, उसमें कॉर्बेट है, दुधवा है जैसे यूपी में। तो उसमें बेसिकली क्या है कि जो ये अनमैंड व्हीकल हैं, एरियल सर्वेलेंस व्हीकल हैं, इनसे हम लोग क्या है कि जैसे जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, बहुत दूर हैं, दूर दराज के हैं, जहाँ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जाना, उसमें हम लोग जो है वेजिटेशन एनालिसिस, उसमें वाइल्ड लाइफ का काउंट भी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी हम देख सकते हैं कितना है, क्या हमारी फायर लाइंस हैं, हमारे मैनेजमेंट इंटरवेंशन जो चल रहे हैं, मैनेजमेंट वर्क्स जो चल रहे हैं, उसको भी हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इंडिया पोस्ट ने बंडीपुर में राज्य वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से एक विशेष पोस्टल कवर जारी किया है। इसके कुल 6,500 कवर प्रिंट किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही 25 रुपए की मामूली कीमत पर आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम चला रहा है। इसके अलावा कई संस्थाएं बाघों के संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही है। इन सब के सामूहिक प्रयास का फल है कि भारत न सिर्फ दुनिया में बाघों का सबसे बड़ा घर है, बल्कि यहाँ बाघों की जनसंख्या बढ़ाने की कोशिशों को लगातार सफलता मिल रही है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम 1980 के दशक से दुनिया भर में फैला। एड्स का प्रमुख कारक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या HIV है। ये बीमारी संक्रमण के विरुद्ध लड़ने वाली महत्वपूर्ण कोशिकाओं को नष्ट करके व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है। HIV दो प्रकार का होता है, HIV-1 तथा HIV-2। HIV-1 को पुनः उपकुल HIV-1C में वर्गीकृत किया जाता है, जो भारत में HIV संक्रमण में सबसे अधिक प्रभावी होता है। भारत में HIV-1C के प्रभाव पर वर्षों तक कठिन शोध के बाद जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु के वैज्ञानिकों को कुछ सफलता मिली है। देखिए ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस वह वायरस है जिसका अगर उपचार ना हो तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स हो सकता है। कुछ अन्य वायरसों के विपरीत मानव शरीर HIV से उपचार के बाद भी पूरी तरह नहीं बच सकता, इसलिए अगर किसी को एक बार HIV हो जाए तो इसे जीवन भर झेलना पड़ता है। HIV शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करता है, ऐसा तंत्र जो संक्रमणों से लड़ता है। अनुपचारित HIV प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अन्य संक्रमणों या संक्रमण से संबंधित रोगों से ग्रस्त होने लगता है। ये अवसरवादी संक्रमण अत्यंत कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र का लाभ उठाते हैं और संकेत देते हैं कि व्यक्ति को एड्स है, HIV संक्रमण की अंतिम अवस्था है। अभी तक इसका कोई प्रभावी उपचार मौजूद नहीं है। HIV को नियंत्रित किया जा सकता है। HIV के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली चिकित्सा एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी या ART कहलाती है। इसे प्रतिदिन लेना होता है। यह चिकित्सा नाटकीय रूप से HIV से संक्रमित व्यक्ति के जीवन को लंबा कर देती है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने प्रभावी उपचार विकसित करने के लिए HIV वायरस को समझने के लिए गहन शोध जारी रखे हैं, लेकिन यह प्रमुखता से HIV-1B पर है, जो वैश्विक रूप से 10% संक्रमणों तक सीमित है। दूसरी ओर HIV-1C पर विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है, जो दुनिया भर में HIV संक्रमण का 50% है। HIV-1C पर वर्षों तक गहन शोध के बाद डॉक्टर उदय कुमार रंगा और उनकी टीम ने जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में महत्वपूर्ण खोज की। My research is very different because we are the only laboratory, as I mentioned, to work on this family of C virus, which is all our viruses in India are only C family. We do not have A, B, no other virus. Similarly, China. China also, it is not a pure C virus. It's a recombinant, it's predominantly C virus. South Africa and many other African countries, they are all have C. This is causing half of the HIV global infections. There is nobody else is asking this question. What makes this virus so dominant? Why this C family is super HIV? If what we are showing is true, that the duplication of
you know, this domain in the structural protein can lead to drug resistance. Tomorrow, we are likely to see much more drug resistance in C family. And it will not stop here. So this finding what we made can have serious implications for disease management, drug resistance in the coming years. HIV वायरस एक रिट्रोवायरस है जिसमें RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसे पोषक कोशिकाओं में निवेशित करने के बाद वायरस अपनी प्रतिक्रिया बनाना शुरू कर देता है और संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करके सामने आता है। दूसरी ओर वायरस प्रत्येक चक्र के साथ प्रबल और प्रबल होता जाता है। HIV-1C की प्रबल प्रकृति ने डॉक्टर उदय कुमार रंगा और उनकी टीम को लगभग 20 वर्ष पहले इस विषय पर शोध करने के लिए कायल किया। तब से टीम ने HIV-1C वायरस द्वारा इसके प्रतिलिपिकरण के दौरान एक विलक्षण मॉलिक्यूलर ट्रिक की खोज की। टीम ने देखा कि प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया के दौरान वायरस प्रभावी रूप से अपने जीनोम के गैग प्रोटीन नामक महत्वपूर्ण भागों को प्रतिलिपित करता है। गैग प्रोटीन एक एंटीजन प्रोटीन होता है जो वायरस की कोर संरचना को बनाती है, जो वायरस के विभेदों को प्रबल करती है और अंततः हावी बनाती है। डॉक्टर उदय कुमार रंगा और उनकी टीम ने HIV-1C की प्रबलता के कारण को सफलतापूर्वक दिखाया। शोध अब भी जारी है और निश्चित रूप से रोग कारकों के विकास के साथ साथ प्रभावी एंटी रिट्रोवायरल उपचार एवं भविष्य में सक्षम प्रबंधन को बेहतर समझने में लाभकारी होगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद आपको धरती के भूगर्भीय इतिहास के नए दौर के बारे में बताएंगे। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष है। भूगर्भीय अध्ययन से इस लंबे इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में पता चलता है, जैसे इसकी जलवायु में परिवर्तन, उपमहाद्वीपों का टूटना और जुड़ना और यहां तक कि जीवन की शुरुआत। अब द इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी ने पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है जिसका नाम है मेघालयन काल। इसका आरंभ 4200 वर्ष पहले हुआ था और ये आज तक जारी है। इसका नामकरण उत्तर पूर्वीय भारत के मेघालय राज्य के नाम पर किया गया था क्योंकि यहीं पर मामलू गुफा में स्टेलिगमाइट नामक चट्टानें पाई गई हैं। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास को समझने का एक माध्यम है भूगर्भीय काल पैमाना। भूगर्भीय काल को कल्प, युग, अवधि, युगारंभ और अंतिम आयु में बांटा गया है। लेकिन पृथ्वी के दीर्घावधि भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में वर्तमान युग को क्या कहा जाता है? खैर, हाल ही में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि हमारे ग्रह ने एक नए चरण में प्रवेश किया है जिसकी शुरुआत 4200 वर्ष पहले हो चुकी थी। पृथ्वी के इस नए अध्याय का नाम दिया गया है मेघालयन युग। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय राज्य के नाम पर क्यों ये नाम दिया गया। ये इसलिए क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में सदियों पुरानी मामलू केव में स्टैलेगमाइट चट्टानें पाई गई थीं। अंतर्राष्ट्रीय आयोग पर स्ट्रैटिग्राफी या ICS अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ विज्ञान का सबसे बड़ा और पुराना निर्वाचित वैज्ञानिक निकाय है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय क्रोनोस्टैटोग्राफिक चार्ट की प्रणाली, श्रृंखलाओं और चरणों जैसी वैश्विक इकाइयों को सटीक रूप से परिभाषित करना है। इस प्रकार वैश्विक मानकों पर पृथ्वी के इतिहास को व्यक्त करने के लिए मौलिक पैमाना स्थापित करना। ICS के भू वैज्ञानिकों के अनुसार ये पहली बार है जब पृथ्वी का आवधिक समय परिवर्तन सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। साथ ही इसकी शुरुआत विनाशकारी सूखे के कारण कई सभ्यताओं के पतन को भी बतलाती है। यह सूखा लगभग 200 वर्षों तक बना रहा और इसने मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और यांगटजी नदी घाटी सभ्यताओं को प्रभावित किया। स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेगमाइट्स दे हैंग फ्रॉम द माउंट इन द केव्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग ट्यूब और दे ग्रो फ्रॉम द साउंड। इफ यू सी एनी केव and you can find that they are growing. So these caves were formed at a particular period and they have given a date of the end of that stalagmite. And this is for the first time, this division is not based on
the organism or fossils or anything. This is the first time this is based on a worldwide world event where the agriculture started. वर्तमान में हम होलोसीन युग में रहते हैं जो पिछले 11,700 वर्षों से अस्तित्व में है। होलोसीन युग को तीन चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो हिमयुग से सूखे की ओर तक पृथ्वी के इतिहास की प्रमुख जलवायु घटनाओं का सुझाव देता है। मेघालयन युग सबसे युवा चरण है, जो 4,200 वर्षों से वर्तमान तक चल रहा है, जबकि दो अन्य युग नॉर्थ ग्रिपियन का मध्य चरण 8,326 सालों से 4,200 सालों पहले तक चला, और सबसे प्राचीन ग्रीलैंडियन जो हिमयुग के लिए 11,700 से 8,326 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। भूगर्भीय काल की जांच करने के लिए भूवैज्ञानिक प्रत्येक चट्टान परतों को विशिष्ट समय के साथ जोड़ती हैं, जिसे भूगर्भीय काल डेटिंग कहा जाता है। पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए वे तलछटी गाद, बर्फ के मध्य भाग, झील की तली और समुद्र तल में जमा तलछटों का उपयोग करते हैं। मेघालयन युग को निर्धारित करने के लिए भूगर्भीय वैज्ञानिकों ने मेघालय गुफा में पाए गए स्टैलेगमाइट चट्टानों की परतों के नमूने लेकर उनके रासायनिक घटकों का परीक्षण किया। उन्होंने चट्टानों की परतों में ऑक्सीजन अणु में पूरे समय होने वाले बदलावों की जांच की। परीक्षणों में दिखाया गया है कि स्टैलेगमाइट की प्रत्येक परत में ऑक्सीजन संख्या के विभिन्न स्तर थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये परिवर्तन उस समय मानसून की स्थिति को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार थे। इस नए मेघालयन युग ने भूविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक विस्तृत क्षेत्र खोल दिया है। बोतल, बर्तन या कचरादान जैसे दैनिक उपयोग में काम आने वाले प्लास्टिक के सामान स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जीवाणुरोधी गुण नहीं होते। दैनिक जीवन में प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ खाद्य या पेय के संरक्षण तथा स्वस्थ जीवन शैली के लिए स्वच्छ सामग्रियों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वैज्ञानिकों ने चांदी के सूक्ष्म कणों का इस्तेमाल कर एक ऐसा जीवाणुरोधी पदार्थ विकसित किया है जो दैनिक जीवन में उपयोग के सामानों को जीवाणुरोधी बनाता है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। आजकल लोगों के सुख और स्वास्थ्य पर बहुत जोर दिया जाता है। जीवन के बेहतर मापदंड के लिए दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली चीजों का हानिकारक सूक्ष्मजीवी प्रतिरोधी होना आवश्यक है। परिणाम स्वरूप सूक्ष्मजीवी प्रतिरोधी चीजों ने न केवल स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्व प्राप्त कर लिया है, बल्कि घरेलू मदों में भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। इससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दुनिया में विशिष्ट अनुसंधान के रूप में सूक्ष्मजीवी रोधी पदार्थों की खोज के लिए राह बनी है। आधुनिक समय में पॉलीइथिलीन या प्लास्टिक के दैनिक जीवन में अनेकानेक उपयोग हैं। बैक्टीरिया रोधी पॉलीइथिलीन के कुछ उपयोगों को हमारे प्रतिदिन के जीवन में सरलता से देखा जा सकता है, जैसे कि क्रेट्स, जिनका उपयोग फलों, सब्जियों के संग्रह और लाने ले जाने में किया जाता है, बच्चों के खिलौनों और वॉशिंग मशीन की भीतरी लाइनिंग। हालांकि प्लास्टिक में कोई मूलभूत बैक्टीरिया रोधी गुण नहीं होते। अगर प्लास्टिक में बैक्टीरिया रोधी गुण शामिल कर दिए जाएं, तो उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन से बने उत्पादों के मानक बेहतर करने में सहायक हो सकते हैं। इस दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वैज्ञानिकों ने गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से क्ले में सन्निहित सिल्वर नैनो कणों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया और प्लास्टिक के अंदर फैला दिया। इसका उपयोग नए सूक्ष्म जीव रोधी फिल्में या फिलामेंट बनाने में किया जा सकता है और अन्य प्लास्टिक उत्पादों में भी ढाला जा सकता है। गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रोच्ड अस टू डेवलप सब स्पेशलिटी प्लास्टिक्स विद एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी एंड दैट्स हाउ वी केम अप विद दिस आइडिया टू इनकॉर्पोरेट नैनोक्ले मटीरियल्स विच हैव बीन मॉडिफाइड विद एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट and then incorporate them into the polythene plastics to make them antimicrobial polyethylene. This polyethylene has got a lot of advantages. Whenever any polyethylene product is in contact with moisture or water, there are good chances of microbes growing on those films and then making colonies and biofilms and then affecting the quality of the product.
especially in applications where it is used in hospitals or health and hygiene applications. वैज्ञानिक मॉन्ट मोरिलो नाइट नामक एल्यूमिनियम सिलिकेट क्ले का प्रयोग करते हैं, जो सरलता से ज्वालामुखीय स्थानों पर विशाल मात्रा में मिलता है। ये सिल्वर के नैनो कणों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनमें उच्च तल क्षेत्रफल के कारण क्लंपिंग करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए क्ले सिल्वर नैनो कण के जमा होने के लिए एक स्थिरीकारक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। लगभग 10% सिल्वर युक्त क्ले सिल्वर यौगिक को अब उच्च घनत्व वाले पॉलीथाइलीन प्लास्टिक में मिलाया जाता है। सिल्वर नैनोकण युक्त प्लास्टिक में आम एशरिकिया कोलाई जैसे बैक्टीरियल रोग कारक की अपेक्षा 99% अधिक बैक्टीरिया रोधी क्रिया पाई गई। विकसित सिल्वर क्ले प्लास्टिक पदार्थ से फिल्म या फिलामेंट बनाए जाते हैं और इससे प्रतिरूप भी बनाए गए हैं और पुनः बैक्टीरिया रोधी गुणों का परीक्षण किया गया। फिल्म और फिलामेंट ने मोल्डेड वस्तुओं की अपेक्षा उच्च क्रिया दिखाई, लेकिन जब सिल्वर क्ले सम्मिश्र की मात्रा 2% बढ़ा दी गई, तो मोल्डेड पदार्थों ने भी बेहतर क्रिया दिखाई। वैज्ञानिक नव विकसित पदार्थों के साथ भी आगे परीक्षण कर रहे हैं, जो विभिन्न सूक्ष्म जीव रोधी पॉलीइथिलीन उत्पाद बनाने में सहायता करेंगे, जैसे फूड पैकेजिंग फिल्म, पानी के टैंक, पाइप और कैथेटर एवं नलिकाओं जैसे जैव चिकित्सा उत्पाद। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। मंगल ग्रह में जल की मौजूदगी पर सालों से लग रहे वैज्ञानिकों के कयास सही साबित हुए हैं। मंगल ग्रह पर एक झील के सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस झील का पानी खारा है, जो मार्शियन आइस के निकट स्थित है। करीब 20 किलोमीटर चौड़ी झील मंगल ग्रह की सबसे विशाल झील है। हालांकि इस झील का पानी पीने योग्य नहीं है और ये बर्फीली सतह से करीब 1.5 किलोमीटर नीचे स्थित है। ये खोज साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल साइंस स्थित रूस के वैज्ञानिकों ने प्राचीन फीता कृमि की खोज की है। माना जा रहा है कि जमी हुई सतह पर लगभग 32,000 वर्ष दबे रहने के बाद फिर से इन कृमियों का जन्म हुआ है। इन कृमियों को उत्तर पूर्वी साइबेरिया में कोलिमा नदी की जमी हुई मिट्टी से निकाला गया। ये खोज टॉक लेडी बायोलॉजिकल साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित हुई है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों रिचर्ड डिसूजा तथा एरिक बेल ने खोज की है कि कभी स्थानीय स्तर पर 3 आकाशगंगा हुआ करती थी, एंड्रोमेडा या M31, मिल्की वे तथा M32P आकाशगंगा। माना जाता है कि एंड्रोमेडा जैसी आकाशगंगाएं सैकड़ों छोटी आकाशगंगाओं के साथ मिल गई। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छोटी आकाशगंगाएं नष्ट हो गई और इनके अवशेष मुख्य आकाशगंगा के इर्द गिर्द रह गए, जिन्हें स्टेलर हैलो भी कहा जाता है। स्टेलर हैलो के अध्ययन से वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि करीब 2 अरब वर्ष पहले एंड्रोमेडा ने M32P को नष्ट कर दिया, जिसके सबूत के तौर पे खगोलीय अवशेष रह गए। वैज्ञानिकों ने एंड्रोमेडा का अतीत दिखाने के लिए कंप्यूटर पर तैयार किए गए मॉडल तथा उसकी नकल की मदद ली। ये खोज नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आंध्र प्रदेश के कोल्लेरू पक्षी विहार के अधिकारी प्रवासी चिड़ियों के प्रजनन को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ हर वर्ष 9,000 से 10,000 प्रवासी पक्षी आते हैं। अब आंध्र प्रदेश के एल्लेरू में 270 एकड़ क्षेत्र में प्रवासी चिड़ियों की प्रजनन सुविधा बेहतर बनाने के लिए लोहे के 120 खंभे गाड़े जा रहे हैं, जहां पेड़ों के अभाव में चिड़िया अपने घोंसले बना सके और उनमें अंडे दे सके। ये खंभे जैव विविधता संरक्षण अभियान के अंतर्गत गाड़े जा रहे हैं, जिसके लिए राज्य सरकार के कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड से वित्तीय मदद मिल रही है। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं अरविंद कृष्ण जोशी को, जिनका जन्म पुणे में 5 अगस्त 1929 को हुआ था। जोशी एक मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, जिनका प्रमुख योगदान अभिकलनात्मक भाषा प्रसंस्करण के क्षेत्र में था। उन्हें ट्री एडजॉइनिंग व्याकरण के गठन के लिए याद किया जाता है। इस एप्लीकेशन का विस्तृत उपयोग ध्वनि से लेखन रूपांतर में किया जा रहा है।
उन्हें कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे 1997 में IJCAI अवार्ड ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस, 2005 में उन्हें कंप्यूटर तथा संज्ञानात्मक विज्ञान के क्षेत्र में बेंजामिन फ्रैंकलिन मेडल से सम्मानित किया गया। 31 दिसंबर 2017 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 88 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान नई प्रौद्योगिकियां विकसित करने में आज भी मदद कर रहे हैं। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।